हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हीरा टेरेस गार्डन में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है रेड चिली पे। आप सभी देख रहे हैं, ये ग्रो बैग में लगाया हुआ है मैंने, और इसकी ग्रोथ आप देखिए, कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, ऐसे अनकाउंटेबल हैं ये। और रेड, ग्रीन, सारे कलर आपको इसमें मिलेंगे। देखिए कितना कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इसके, कितना प्यारा लग रहा है। ये मिर्चियाँ इतनी सारी लगी हैं कि हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब इतनी मिर्चियाँ लग गई हैं इसमें, ये देखिए एक ही प्लांट में इतनी सारी मिर्चा लगी हुई है। और इतनी खुशी हो रही है मुझे देख के, मैं ऑलमोस्ट मेरी वीडियो में ये लाइन होती है सब में कॉमन की, इतनी खुशी हो रही है। पर फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत खुशी होती है जब आपने खुद से लगाया हुआ और इसकी ग्रोथ देखिए आप, कितना प्यारा, कितनी मिर्चा लगी हुई है। ओह माय गॉड, इट्स लवली। बहुत ही सुकून मिलता है इसे देख के। और फ्रेंड्स, मेरे पास तीन चार कई सारे प्लांट हैं और ये सब ग्रो बैग में लगे हुए हैं, कोई प्लांटर नहीं है। कोई बहुत खर्च की ज़रूरत नहीं है कि आप महंगे महंगे प्लांटर खरीदिए, कहीं भी लगा दीजिए। इवन मुझे तो लगता है कि जो हमारे पास नमकीन की, थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स की, जो भी हार्डी पॉलीथीन प्लास्टिक बैग आते हैं, आप उनका रीयूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप ग्रो बैग आपके पास नहीं है तो उनमें भी आप लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया ग्रो करता है। ये देखिए यहाँ दूसरे ग्रो बैग में और मिर्ची लगी हुई है, ग्रो बैग में ही लगाई है मैंने सारी मिर्ची। देखिए दूसरा, ये दूसरा मिर्च का प्लांट है, और देखिए इसमें भी कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, सारी ढेर सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। ये सब रेड हो गई हैं, पक गई हैं, क्योंकि हम इतनी खा ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा लगती है इसमें। देखिए कितनी अच्छी, कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। और एक और तीसरा प्लांट भी है ये, यहाँ देखिए, ये देखिए कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है। वाह, आई लव इट, कितने प्यारे लग रहे हो। और कितनी बड़ी बड़ी मिर्चियाँ हैं, एक तो तोड़ने का भी मन नहीं करता, इतनी प्यारी लगती है ये। ये देखिए, ये देखिए हर ब्रांच पे मिर्ची लगी हुई है, ये देखिए कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। मीन्स बहुत एकदम मन खुश हो जाता है इन्हें देख के। और भी बहुत सारी प्लांट हैं, मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि इतनी सारी मिर्ची लगी हुई है, बट उसमें थोड़ी कम लगी हुई है। दिखाती हूँ, एक और प्लांट है मिर्च का, ये देखिए कितनी सारी इसमें भी मिर्च लगी हुई है। सारी ग्रीनेस की कटिंग कर दी थी, तो छोटा सा प्लांट पर, छोटे से प्लांट में भी ढेर सारी मिर्ची लगी हुई है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये कट कर दिया था प्लांट की, कटिंग कर दी थी हमने, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी इसके। एक और प्लांट है छोटा सा, ये देखिए, ये इसमें भी मिर्ची, आपने पहले भी ये देखा होगा वीडियो, इसमें भी मिर्चा लगी हुई। और ये फ्रेंड्स ऊपर की साइड मिर्ची लगती है, और ये इतनी छोटी है पर बहुत तीखी, जितनी छोटी है उतनी ज़्यादा तीखी है। ये देखिए सारी रेड हो गई है, बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत मिर्चियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए इतना हैवी प्लांट हो गया था, हमने इसे थोड़ा सा सहारा देखने के लिए, ये देखिए पीछे एक लकड़ी लगाई हुई है ताकि ये थोड़ा सा टिका रहा है, इतना हैवी हो गया था ये, इतनी ग्रोथ इसकी ज़्यादा हो गई है गमले में ही। इससे एक और मिर्च का प्लांट है, आज मैं पूरा वीडियो बस मिर्च पर बनाऊँगी क्योंकि मिर्च की ढेर सारे प्लांट है और ढेर सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए दूसरा प्लांट है, हर जगह मिर्च लगी हुई, ये भी कटिंग कर दी थी इस प्लांट की, और देखिए जितनी ब्रांचेस हैं उतनी हर ब्रांच पे मिर्ची लगी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो मुझे लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। देखिए सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं इनको, मैंने सीड से भी ग्रो किए हुए हैं कुछ मिर्च के प्लांट, और उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है बाद में। हाँ, बट जब हम सीड से ग्रो करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगते हैं उनमें फ्लावरिंग आने में, थोड़ा सा टाइम लगते हैं, जबकि आप प्लांट लगाएंगे तो वो जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी उसमें सीड्स आने लगे, जल्दी मिर्च लगने लगती है। कोई भी दूसरा प्लांट आप लगाएंगे ना सीड से, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट लगती है उसमें भी है, बहुत प्यारी मिर्चियाँ लगती हैं और ढेर सारी लगती हैं। प्यारी तो लगती हैं लगने के बाद, बहुत ढेर सारी लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मिर्च के प्लांट काफ़ी सारे हैं। बहुत ही मन खुश हो रहा है, मैं इतना खुश हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे बोलूँ क्या। ये था छोटा सा वीडियो, आप सब देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। आई होप आप लोग मेरी खुशी को समझ पाएंगे। अगर आप भी प्लांट लगाते हैं या आपको प्लांट पसंद है तो इसके बाद की खुशी तो आप जानते हैं। और ये मिर्च के प्लांट देखिए, मुझे देखते ही मन नहीं हट रहा है इसको देखने से। थैंक यू, आप सब देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। आई होप अच्छा लगेगा आप सबको ये मिर्चियाँ। थैंक यू, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और अगर अच्छा लगता है तो कुछ कमेंट करिए। आप अपने सजेशंस में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिन्हें मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ भी कमियाँ लगती हैं, कोई सजेशंस है, कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू।